वेलकम बैक, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़, वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंटीग्रेशन की ट्रिक। जी हाँ, इंटीग्रेशन की ट्रिक जो कि बहुत ही सिंपल है और आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ये आपका बाय पार्ट का इंटीग्रेशन है जिसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर एक कॉस टू एक्स। तो आपको हमेशा फर्स्ट फंक्शन उसको माना जिसका डिफरेंशिएशन एक टाइम बाद जाके क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और एक को आपको मानना जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर को मैंने फर्स्ट फंक्शन मानना है, कॉस टू एक्स को सेकंड फंक्शन मानना है। अब आप यहाँ पे देखना है कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है अब आप उसका डिफरेंशिएशन करते जाइए। तो एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स, और आपका फिर क्या हो जाएगा, टू, और ये आपका इस टाइम बाद जीरो। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब जो सेकेंड फंक्शन आपने लिया है कॉस टू एक्स, जो है कॉस टू एक्स का वो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x अपॉन में 2। ठीक है, अब ये sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x अपॉन में 4, और फिर cos 2x का करेंगे क्या हो जाएगा आपका, माइनस sin 2x अपॉन में 8। और ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम करेंगे जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो ये आप तीन कर लिया, अगर आप कर सकते हैं तो sin का क्या हो जाएगा, cos 2x अपॉन में 16। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, सिंपल है, यहाँ पे आपको अल्टरनेट साइन लेना, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस और ये आपका माइनस। अब देखिएगा अब आपका आंसर बिल्कुल आने वाला है। इसको इसके साथ लिखिए, जगह एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स अपॉन में टू, पर यहाँ पे कौन सा साइन है आपका, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस टू एक्स कॉस टू एक्स अपॉन में फोर। अब इसके बाद ये प्लस माइनस माइनस, तो अगर टू साइन टू एक्स अपॉन में एट। अब इसको आप कह, और प्लस में आपको क्या लिखना है, सी। जी अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स अपॉन में टू, टू वन जो टू, टू टू जो फोर, तो कितना हो जाएगा ये, प्लस एक्स कॉस टू एक्स अपॉन टू, टू वन जो टू, टू फोर जो एट, तो माइनस का हो जाएगा साइन टू एक्स अपॉन में फोर प्लस सी। तो दिस इज योर आंसर। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल ट्रिक से हमने इसको सॉल्व किया। तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी से जल्दी से करके देखते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या है, सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, सेकंड मान लेता हूँ। तो फर्स्ट का क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर थ्री टू या सिक्स एक्स और सिक्स देन जीरो। अब हम e to the power x का इंटीग्रेशन करें, e to the power x, e to the power x, e to the power x, e to the power x और e to the power x, because e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x ही होता है। अब इसमें देखें यहाँ पे कौन सा होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब ई टू दी पावर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स प्लस सिक्स एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस सिक्स ई टू दी पावर एक्स और ये जीरो, और प्लस में क्या जाएगा, सी। सो दिस इज दी आंसर। तो इसमें अगर आप चाहें तो यहाँ से ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स प्लस सी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और ये बिल्कुल सिंपल था, ट्रिक था। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन करिएगा इसके इंटीग्रेशन के, और हाँ अगर जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, और आप मुझे टॉपिक का नाम बताएं कि किस टॉपिक पे आपको ट्रिक चाहिए तो मैं उस पर आपको ट्रिक बनाकर दूंगा। तो गाइस आपको ये चीज पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करें, और हाँ लाइक इसलिए करें क्योंकि आगे मैं ऐसे बहुत सारे ट्रिक वाली वीडियोस बनाता रहूंगा, ट्रिक भी रहेगी और फुल पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो अगर आप लाइक करें, और हाँ जितना ज्यादा हो सके उतना आप इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हो सके, पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।